नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताजा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताजा खबरें। जी हां, अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आज, हरियाणा के पानीपत में सीएम मनोहर लाल लगाएंगे आसन, धारा 144 लागू। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, हरियाणा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम पानीपत में आयोजित किया जा रहा है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि होंगे। इसके लिए मंगलवार को पानीपत पहुंच गए हैं। उपायुक्त वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि यह हमारा सौभाग्य है कि इस दिन हरियाणा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम पानीपत में हो रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन भी लाइव दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कार्यक्रम बेहद भव्य होगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य भी उपस्थित रहेंगे। तो जिले में धारा 144 लागू रहेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 24 और 25 जून को होने वाली भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल बदला। HSSC ने इस संबंध में आयोग ने एक बार फिर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी भी किया है। इसके मुताबिक नर्स स्टाफ, नर्स जूनियर कोच, रेडियोग्राफर, वर्क सुपरवाइजर समेत अन्य पदों के लिए 24 और 25 जून 2023 को होने वाली परीक्षा 1 और 2 जुलाई 2023 को आयोजित की जाएगी। हरियाणा सरकार ने अपनाया सख्त रवैया, 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने का आदेश। 15 साल पुराने वाहनों को लेकर हरियाणा सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। सबसे पहले हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2023 तक 15 साल पूरे कर चुके सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप कराने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इन वाहनों को बदलने के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित करने का भी निर्देश दिया है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों और बोर्डों और निगमों के मुख्य प्रशासकों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों को इन निर्देशों का तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने 6-लेन रिंग रोड का शिलान्यास किया। बोले, हरियाणा की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी, बायोफ्यूल इस्तेमाल बढ़े तो पेट्रोल 15 रुपए लीटर होगा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को करनाल में ग्रीनफील्ड 6-लेन रिंग रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उनकी टीम 100 रोड प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। दिसंबर 2024 तक हरियाणा की सड़कें अमेरिका जैसी बन जाएंगी। गडकरी ने कहा कि पानीपत में इंडियन ऑयल की तरफ से बायोफ्यूल बनाने का काम शुरू हो गया है। इसका 2% फ्यूल जहाज में इस्तेमाल होगा। हमारी कोशिश है कि बायोफ्यूल को इतना बढ़ावा दिया जाए कि पेट्रोल की जरूरत भी ना पड़े, तभी हम पेट्रोल के रेट 15 रुपये प्रति लीटर कर पाएंगे। हरियाणा पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन आज से 9 जुलाई को 1983 सीटों पर होगा चुनाव। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए नामांकन बुधवार से शुरू होंगे। सरपंच, पंच और जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार 26 जून तक नामांकन करा सकते हैं। 9 जुलाई को कुल 1983 सीटों के लिए चुनाव होगा। इसमें से 1958 पंच, 18 सरपंच, पंचायत समिति के 5 सदस्य और जिला परिषद के 2 सदस्य शामिल हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जाँच 27 जून को होगी और 28 जून को दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। जिला परिषद सदस्य के चुनाव फरीदाबाद और हिसार जिलों में होने हैं। पंचायत समिति सदस्य के चुनाव चरखी दादरी, हिसार, कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर जिलों में होंगे। अंबाला, दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, कैथल, नूह, पानीपत, रोहतक और सिरसा को छोड़कर सभी जिलों में सरपंच चुनाव कराए जाएंगे। पंच के चुनाव सभी जिलों में होंगे। हरियाणा में बगैर मान्यता चल रहे निजी स्कूल पर लगेगा ताला, लिस्ट में 1372 विद्यालय, संचालकों पर दर्ज होगा केस। गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ वर्ष 2012 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें से स्थायी व अस्थायी मान्यता नहीं लेने वाले निजी स्कूलों को बंद करने का अनुरोध किया गया था। 3D सरकार पर अमित शाह को भूपेंद्र हुड्डा का जवाब। हरियाणा के पूर्व CM बोले, वे मेरे मित्र दोस्त याद आते हैं। तो हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा ने सिरसा रैली में अमित शाह की तरफ से दिए बयान पर पहली बार जवाब दिया। रोहतक पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, अमित शाह मेरे मित्र हैं और दोस्त याद आते हैं। दरअसल रविवार को सिरसा पहुंचे शाह ने
निशाने पर हुड्डा रहे। बता दें कि शाह ने कहा था, कांग्रेस ने हरियाणा में 3G सरकार चलाई, पहला डी दरबारी, दूसरा दामाद यानी दिल्ली वाले और तीसरा डीलर। तो पहले रोहतक का मुख्यमंत्री होता था, किसी की चिंता नहीं करता था। हुड्डा ने इसका भी जवाब दिया कि उन्होंने पूरे हरियाणा का विकास किया। हरियाणा पुलिस को गृह मंत्री अनिल विज का रिमाइंडर, एक महीने बाद भी लाइन ट्रांसफर नहीं हुए, ओवरवेट पुलिसकर्मी रिपोर्ट तलब की। तो होम मिनिस्टर अनिल विज ने हरियाणा पुलिस को रिमाइंडर भेजा है। रिमाइंडर भेजने की वजह ओवरवेट पुलिसकर्मियों को एक महीने बाद भी पुलिस लाइन में ट्रांसफ़र नहीं किया जाना है। विज ने कहा कि उन्होंने जल्द से जल्द निर्देशों को लागू करने के लिए विभाग को एक रिमाइंडर भेजा है। विज ने बताया है कि रिमाइंडर भेजकर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। जान लेते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। प्रदेश में वेपर ज्वाय का असर हुआ है खत्म। अब हरियाणा में मानसून इस दिन से होगा सक्रिय। तो मौसम विभाग चंडीगढ़ की ओर से ताज़ा मौसम बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। प्रदेश में मौसम जो है बदलाव देखने मिलेगा, तो 25% तक बारिश है। अचानक कहीं कहीं कई स्थानों पर एक दो स्थानों पर बादलवाई से बारिश हो सकती है। फिलहाल मौसम विभाग ने मौसम शुष्क रहने की जानकारी दी है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। प्रदेश में 28 जून से मानसून की दस्तक हो सकती है, जैसे पूरे हरियाणा में बारिश होगी। ये बड़ी अपडेट है। चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हरियाणा कांग्रेस, 2024 में प्रदेश में बनेंगी कांग्रेस की सरकार, भूपेंद्र हुड्डा। तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। इतना ही नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पर भी निशाना साधा है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ में नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रवि खत्री के निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं से रूबरू होने पहुंचे थे। तो जी हाँ, ये थे हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन। इस वीडियो में इतनी जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद।